सो हेलो, पहुंच गया हूं मैं MN चॉकलेट फैक्ट्री में. एक्चुअली इट्स नॉट चॉकलेट फैक्ट्री, इट्स चॉकलेट म्यूजियम. एंड यस, मैंने काफ़ी सारे नहीं, सिर्फ एक ब्लॉगर को देखा था जो ये रिफ़र करता है MN चॉकलेट, एंड उसका ही देख के मैं यहाँ पे आया हूँ. यस, मुंबई के निखिल ने यहाँ पे जो शूट किया था, तो बस वही मैंने देखा था एंड अब यहाँ पे आ गया फाइनली. एंड तो चलो हम चलते हैं MN के अंदर, देखते हैं क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कैसी चॉकलेट बनाता है. अभी तक मैंने जितनी भी चॉकलेट म्यूजियम देखा है कोई भी इतना खास नहीं है. आप देखो, मेरी भूलने की आदत, देखो मैंने वापस से भूल गए, चाबी भूल गया. अगर ये चाबी चले गई ना बॉस, मेरे पास दूसरी चाबी नहीं है. सो राइट नाउ अभी हम इसके अंदर घुस रहे. सॉरी, विल गेट कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट. ओह थैंक यू वेरी मच. ओके, सो जो हमने टिकट लिया उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट हमको मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है. चाबी से आपको बताता हूँ, जैसे आप लेफ्ट घुस रहे तो ये कोकोआ फ्रूट, दिस इज अ रियल फ्रूट. एंड यहाँ पे आपको इसके बीचेस मिल जाएंगे जो कि रियल बीचेस है. स्मेल करके देख सकते हो, बहुत अच्छा है. प्लस दिस एशियन कोको बीन रोस्टिंग प्रोसेस दिस. और जैसे हम गेहूँ पीसते थे वैसे ये बीन्स को पीसना होता है. ये लेटेस्ट प्रोसेस में आ जाएगा. एंड दिस फटाफट मैं आपको बता देता हूँ. अभी जो मेरा कैमरा है वो भी गिर गया था यहाँ पे. एंड यहाँ की जो फ्लोरिंग है ये देखिए, आर्टिफिशियल नहीं है, दिस ऑल आर रियल वुड. ओके, एंड रुपेश क्या लिया है तूने? काफ़ी सारी लिया. ये पूरे घर नहीं, पूरे गांव के लिए चॉकलेट लेते जा रहे हैं. एंड मैंने सिर्फ दो ही चॉकलेट लिया है यहाँ पे. क्या एक जो बड़ा वाला पैकेट है, मैंने 100% डार्क चॉकलेट की, 100% डार्क चॉकलेट. अभी बाहर निकल के बात करते हैं. ये जो आप सामने बड़े बड़े चॉकलेट के पीसेस देख रहे हो, ये टेस्टिंग के लिए. एंड ये इतने बड़े होते हैं कि आप 2-3 पीस खा के आपका पेट भर जाएगा. एंड ये जो सामने चॉकलेट बार्स है, ये प्योर चॉकलेट एंड प्योर कोकोआ बटर से बनाई जाती है, जिसके लिए इसका जो टेस्ट है ये बहुत अच्छा हो जाता है. ये सारी काजू बादाम वाली चॉकलेट है. एंड आपको ये डेफिनेटली, अगर आप ऊटी आते तो ये प्लेस पे आना आपका बनता ही है. तो जो मैंने आपको कहा था कि हमें जो टिकट मिली है उसके साथ में ये सैंपल आएगा. इफ यू आर चॉकलेट लवर, सो लीव नेक्स्ट ईयर. I don't have any words to describe the quality and the taste of this chocolate. Oh, अभी हम निकल रहे हैं एंड फाइनली निकल गए. अब मैं आपको क्या बताऊँ यार, सच में यहाँ की जो चॉकलेट है मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो 20 रुपये आपसे टिकट लेते हैं उसके बदले में भी जो वो आपको चॉकलेट देते हैं वो भी प्योर चॉकलेट होती है और बहुत अच्छी होती है. मैंने जितने भी चॉकलेट फैक्ट्री पूरे ऊटी में देखी है, सबसे बेस्ट ये है. एंड आई एम लिटरली मैं निखिल को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उसने अपने ब्लॉग के अंदर ये चीज़ कवर की थी, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे आके चॉकलेट ले पाया. एंड अभी तक तो मैंने 100% चॉकलेट खाई नहीं है, बट आई एम श्योर कि जो मैंने ली 100% चॉकलेट, वो मेरे टेस्ट बर्ड को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी. एंड एक और चीज़, MN का जो मतलब होता है वो उसके ओनर का नाम है मोहम्मद अलीन, मोहम्मद नूर अलीन. गोया के ओनर का नाम है मोहम्मद नूर अलीन, ठीक है? तो मुंबई का निखिल नहीं है, इट्स मोहम्मद नूर अलीन, जस्ट जोकिंग. तो चलो अभी चलते हैं, अब तो डायरेक्ट होटल में जाते हैं. सुपेश की देखो, वो पूरी चॉकलेट है. एंड हम ये चॉकलेट होटल में रखते हैं, उसके बाद में निकलते हैं. इन्हें एक और चीज़ अंदर जो है ना, ये जो कैमरा मैंने जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ मोबाइल से, बहुत जोर का ज़मीन पे गिर गया था यार, बहुत बोलते ना फटके हाथ में आ गई थी. तो चलो निकल रहे हैं अभी. एंड ये मैं पकड़ लेता हूँ अभी के लिए फिलहाल, तू पीछे बैठ जा, उसके बाद में तेरे को देता हूँ. अभी हम निकल रहे हैं हमारे होटल की तरफ, मुश्किल से कुछ 15 मिनट दूर है. हमारे हाथ में बहुत सामान है, तो मैं डायरेक्ट होटल में जाके ही आपसे बात करता हूँ. तो आ गए हम अपने होटल द गेल लॉर्ड में. ये मेरा क्या कहते हैं इसे, चॉकलेट मेरी रुपेश की.
ब्लैक कलर की बुलेट बहुत पाप लगती है। ओके अपने पास भी